मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के महाविद्या ग्राउंड पर विकास यात्रा का शुभारंभ किया और इसके साथ ही चुनावी बिगुल फूंक दिया। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राधे राधे से अपनी शुरुआत की और जय श्री राम के नारे के साथ उन्होंने बोला कि मैंने श्री कृष्ण के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है और आपके पास 19वीं बार आया हूं। आज ये यात्रा सरकार के विकास और विश्वास में बदलने की जा रही है। यहाँ पर हमने कुंभ किया जो कि भव्य था। यहाँ कड़कड़ में राधा कृष्ण की छवि है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के कामों को भी बखाना। रामलीला मैदान में योगी के साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, महेंद्रनाथ पांडे, संतोष गंगवार के साथ यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी और स्थानीय कई नेता भी शामिल थे। टाइम्सलर सिंह, मथुरा, समाचार 24। भारतीय जनता पार्टी ने दिया एक गरीब को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, एक बेटी को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, प्रदेश को दिया, देश को दिया। और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है कि आखिर ये सब क्या। हमने कहा था देश के अंदर आतंकवाद को मिटाएंगे। कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जन्मभूमि यही क्षेत्र है। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ अपना कार्य संगठन मंत्री के रूप में कार्य प्रारंभ किया था तो भारतीय जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में एक नारा दिया था, एक देश में दो माए। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जिम्मेदारी है। बीएलओ को काम है, दुर्घटना को काम है, राशन में ड्यूटी है, प्लस आंगनबाड़ी में ड्यूटी है, वैक्सीनेशन में ड्यूटी करते हैं हम लोग। कोरोना काल में सब लोग घर के अंदर थे, हमने ड्यूटी करी थी, वो भी हमने सर्वे की थी। आज तक 2 रुपया नहीं मिला, तो हर ड्यूटी में भेजते हमें। जब हम आंगनबाड़ी है, हमको सरकार ड्रेस मिली गई है तो हमारे ऊपर विभागीय कार्रवाई की होती है। ड्रेस पहन के नहीं जाओगी तो हमारी पहचान क्या होगी, हम ड्रेस पहन के जाए कि हम आंगनबाड़ी है, कि आम इंसान है, काम औरत है। आज संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती हम लोगों को। हम सबके लिए इतना करते हैं, हमारे लिए सरकार क्यों नहीं कुछ सोचती है। 4 लाख आंगनबाड़ी है और 4 लाख आंगनबाड़ी से सहायिका भी है, प्लस उनके बच्चे भी वोट डालने लायक है। हमारे पति भी है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे हम जा वोट डालेंगे वो डालेंगे। सरकार ऐसी बात नहीं है, हम जो सरकार बनेगी बन जाएगी, जो करेगी बन जाएगी। अगर आंगनबाड़ी साथ है तो हम इतना काम करते हैं, काम भी नहीं करते हैं, जनगणना हम लोग करते हैं। तो ये गठबंधन चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें 2022 में? 2022 का गठबंधन ये चल रहा है, सबको साफ दिख रहा है। क्या किसकी सरकार है? ज्यादा मेहनत कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं। अब की बार आप किसको वोट देंगे ये बताइए? आप खुद योगी जी की रैली में आई हैं और पता चले अभी तो कुछ कह रहे हैं। हम वोट तो जब देना, कुछ योगी जी वाले सोच है ना, वोट तो अपनी है। अच्छा, वोट है कोई कैसे खरीद ले? वोट अपने दिल की है, मतदान है, मन का, ये मतदान है, हमारा दिल करेगा उसको देंगे। योगी जी ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमारा जाना में निकाला था कि 10,000 इनका मानदेय करेंगे। पहली बार तुम्हारी लड़ाई ये है कि मान देना दे कि वेतनमान किया जाए। दूसरी बात है कि अगर हम ड्यूटी के दौरान किसी महिला को कुछ होता है, कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई बीमा वगैरह कवर दिया जाए। जो एक्स्ट्रा ड्यूटियां लगा देते हैं उसका भी पैसा हमें मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा ड्यूटी करती है, पैसा नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता। हमने आपसे बोला अभी कोरोना में ए नाम और आशा के साथ हमने काम किया था और हमको ग्लेव्स भी नहीं मिले थे, मास्क भी नहीं मिले थे, सैनिटाइजर मिला था, हमने स्वयं खरीदा। हमने एनएम से कहा कि मैम आज हम लाना भूल गए, हमारे पास पैसे नहीं है, फील्ड में काम कर रहे हैं, थोड़ा सैनिटाइजर दे दो, हाथ पर लगा ले, एक मास्क दे दो। नहीं नहीं, पैसा खरीदो। क्यों हमसे ड्यूटी कराई? क्यों हमसे सर्वे कराई? क्यों हमको पैसा नहीं मिला? फिर कहते हैं कि एनएम के खाते में आएगा। एनएम से बोलते हैं ऊपर से नहीं आया है। चलो ये तो विभाग, कौन से विभाग से जोड़ोगे? आईसीडीएस से जोड़ोगे या स्वास्थ्य विभाग से जोड़ोगे या किस किस से जोड़ोगे आंगनबाड़ियों को? और फिर मृत्यु से लेके और जन्म तक की जिम्मेदारी, घर में शिशु पल रहा है उसकी देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, उनका वजन कराना, उनकी स्वास्थ्य जांच कराना, उनके टीकाकरण कराना, फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है 5 साल तक उसकी देखभाल करना, वजन वेट करना। हमको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है और काम हमको दे दिया गया है। जो महंगाई को आप किससे देख रही हैं? इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देश दुनिया से